जो काम के लिए मैं आया था वो काम तो हुआ ही नहीं। आपको ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भी शेड्यूल बिगड़ चुका है इस कोरोना के वजह से? जी हाँ, मेरा भी शेड्यूल बिगड़ चुका है। अभी मेरी सुबह हुई है और अभी बज गए लगभग शाम के, आप देख सकते हो 4:45 बज चुके हैं शाम के अभी। और अभी मैं बाहर जाऊँगा, मोटो ब्लॉग करूँगा, और आई होप कि मोटो ब्लॉग आपको अच्छा लगे। मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग। मैं आपको मेरा सेटअप दिखाता हूँ, मैंने सेटअप लगा लिया अपना मोटो ब्लॉगिंग का। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मेरा कुछ इसेंशियल वर्क है बाहर, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। सो ऐसा कुछ मेरा सेटअप है, छोटा सा एचजे कैम का 4000 है, और ये मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट। गाइस, मेरा और एक सवाल है आप लोगों से कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं और जिनको चश्मा है उनको क्या दिक्कत होती है चश्मा पहनने में? मेरा ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैंने हेलमेट पहना और मेरा चश्मा टूट गया है, या फिर बहुत दिक्कत आती है, पसीना आता है चश्मे के ऊपर, पसीना आ जाता है कभी कभी, ऐसा बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आता होगा तो प्लीज़ कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगे कि हाँ मेरे जैसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, ज़्यादा हवा की आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि विंड बहुत चल रही है और मैं गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा हूँ। और आप ऊपर देख सकते हो मौसम काफ़ी मस्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है अभी बारिश गिरेगी, पर गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि अपना कैमरा गीला हो जाएगा। वैसे तो वाटर प्रूफ है, पर वाटर प्रूफ की केसिंग लगा ही नहीं अभी। और आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब लॉकडाउन का मतलब चल रहा है अभी फ़िलहाल में। अभी मैं जलगांव में रहता हूँ, जो व्लॉग देख रहे हैं मेरे डेली व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल उनको पता है कि जलगांव में फ़िलहाल में 15, 16, 17 कर्फ्यू चल रहा है, पर देख के तो लग रहा नहीं कि कर्फ्यू का कुछ माहौल है। और यहाँ पे बैरिकेड्स लगे थे ये साइड में, इसके लिए रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। जज मत करना कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हाथों में, एक्चुअली ग्लव्स लिए थे मैंने पर फट गए, क्योंकि रबर के होते हैं ना ग्लव्स, तो एक या दो बार में फट गए वो। एक्चुअली मैंने रीयूजेबल लाए थे पर रीयूज तो कुछ हुआ नहीं उसका, फट गए, क्या कर सकते हैं अभी। मेरे हाथ भी बहुत बड़े ना, तो ग्लव्स का भी कुछ कसूर नहीं था। शोरूम बंद है गाड़ी को, देख सकते हो। साइड पे देख सकते हो दोनों साइड पे टेंट लगा हुए, ताकि जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर्स लोग हैं जो अपने अपने गांव ट्रकों में से जा रहे हैं, उनके लिए खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इन ग्रेट लोगों को जो इतना ग्रेट काम कर रहे हैं इन गरीब लोगों के लिए। अरे यार गाइस, जो काम के लिए मैं आया था वो काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सब दुकानें बंद पड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो। जाना का ऐसे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब रोड बंद बंद हो गए, पूरा घूम फिर के जाना पड़ेगा मुझे भी घर पे। ये जलगांव का पॉपुलर मार्केट है, मतलब एक ही मार्केट है बहुत बड़ा, फुल मार्केट, पूरा लॉकडाउन है।
आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आज के वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी के बटन को दबा के जाइए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ गाइस वो लाइक के बटन को नीला करके ज़रूर जाना। हाँ, और आखिरी में बस इतना बोलना चाहूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ। It's all about humanity.